नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्रदीप सर में। और हम पढ़ रहे थे परसेंटेज, जिसकी पांच क्लास हो चुकी है और ये है छठी क्लास। ये जो क्लास है, इस क्लास में हम पढ़ रहे हैं, इससे पहले 12 क्वेश्चन जो हम कर चुके हैं वो है रिपीटेड, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं, उन क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करते हैं। जो बच्चा वीडियो को देखना स्टार्ट करे वो अंत तक वीडियो को देखना, अलग अलग टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, ताकि उन तक भी वीडियो पहुंच सके और वो भी पढ़ सकें, ठीक है। और जो बच्चा नया आता है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। एक आदमी अपनी आय का एक निश्चित भाग बचाता है, कल का होमवर्क था ये, तो निश्चित भाग बचाता है ताकि एक साल में वह एक कार खरीद सके। कार खरीदने की इच्छा तो सबकी रहती है भाई। अब उसने ये टारगेट किया कि जी एक साल के अंदर मुझे कार खरीदनी है, हर महीने मैं इतने रुपए बचाऊंगा, ठीक है। अगर वो इस कार को 9 महीने में खरीदना चाहता है तो वह उसे अपनी बचत कितने प्रतिशत बढ़ानी पड़ेगी, ये आपको बताना है कि कितने प्रतिशत उसको बचत बढ़ानी पड़ेगी। बिल्कुल सेकंडों में आंसर मिलेगा आपको, टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। हमने मान लिया कि जी एक्स रुपये वो पर महीने बचाता था, ठीक है, और उसके पास कितने महीने में गाड़ी आ जाती, तो गाड़ी आ जाती जी उसके पास 12 महीने में, ठीक है। तो पैसे कितने होते, यानी गाड़ी की कीमत क्या होती, तो एक्स रुपये पर महीने बचा रहा है तो 12 महीने में जितने बचा लेगा, यानी 12x ये गाड़ी की कीमत रही होगी। लेकिन उसने क्या किया, उसने 9 महीने में ही गाड़ी खरीद ली, यानी वो एक्स रुपये की जगह, इसने यही कहा है ना कि जी उसने इस कार को 9 महीने में खरीदना चाहता है तो उसको कितना बढ़ाना पड़ेगा, यानी हम मान लेते हैं बढ़ी हुई जो उसकी बचत है वो वाई है, तो उसने 9 महीने में कितना बचाया होगा, 9y, तो इसने गाड़ी खरीद ली इसमें इस पैसे में, ठीक है, 9 महीने में जो बचाए, तो ये भी तो गाड़ी की कीमत रही होगी ना, और गाड़ी वही खरीदी है तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो x अपॉन वाई क्या आया आपके पास, 9/12 आया। काट लोगे किस पर, 3 पर, तो ये 3/4 आ जाएगा, यानी अगर वो पहले बचत करता था 3 रुपये की तो अब वो बचत करता है 4 रुपये की। कितनी बढ़ गई है बचत, तो 1 रुपये की बचत बढ़ी है, किस पर, तो शुरुआत में जितनी करता था उस पर बढ़ती है, तो 3 रुपये पर, तो 1 की बचत बढ़ी 3 पर, तो कितना हो जाएगा, 33.3% हो जाएगा। बचत कितने प्रतिशत बढ़ गई है, 33.3% बढ़ गई है। चलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहता है देखो। हाँ जी, सेम टाइप का क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर करो, उम्मीद करता हूँ मैं आप 5 से 6 सेकंड में इसका आंसर कर लोगे, क्योंकि बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं और एक बार अगर समझ में आ जाए तो फिर तो कुछ मुश्किल है ही नहीं, ठीक है, ठान लोगे तो सब कुछ हो जाएगा, ठीक है, और हार मान लोगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। दुनिया माने जोरों को, कोई ना माने कमजोरों को, ठीक है, तो कमजोर मत बनो, और ठान लो कि हमें नौकरी चाहिए तो मिल जाएगी। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक आदमी अपनी आय का एक निश्चित भाग बचाता है, वो भाग हमने मान लिया x है, और उससे वो 16 महीने में गाड़ी खरीद सके, तो 16x उस गाड़ी की कीमत हो गई है भाई, ठीक है। लेकिन उसने 14 महीने में खरीद ली, तो बचत कितनी की होगी, तो हमने मान लिया जो नई बचत वो कर रहा है वो वाई है, तो अब गाड़ी की कीमत कितनी हो जाएगी, 14y हो जाएगी। यहाँ से आएगा 8, यहाँ से आएगा 7, यानी बचत बढ़ाई है तो कितनी, अगर पहले 7 रुपये होती थी तो अब कितनी हो रही होगी, 8 रुपये, यानी 1 की बचत बढ़ी है, किस पर, तो जो पहले होती है उस पर बढ़ी है बच्चे, कितनी होती थी पहले, 7 होती थी, तो 7 पर, तो कितना होता है ये, 14/2/7%, ठीक है। फ्रैक्शन हम पढ़ चुके हैं पहली क्लास में, अब तक 5 क्लास हो चुकी है, तो उसमें हम बेसिक कर चुके हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो हम कर चुके हैं, और अब चल रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो ध्यान से देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कहता है देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये गांव की जनसंख्या 5000 है, पुरुषों की जनसंख्या में 6% की और महिलाओं की जनसंख्या में 14% की वृद्धि हो जाती है, तो कुछ बच्चों को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही थी,
और ये हो नहीं सकता कि आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए और हम वो क्वेश्चन ना करवाएं, ठीक है? तो ये आपका वही क्वेश्चन है। 5,000 जनसंख्या है शुरुआत में, ठीक है? अब वृद्धि कितनी होगी? तो वृद्धि हो रही है, मेल की बात करें तो 6% की वृद्धि, और फीमेल की बात करें तो कितनी? 14% की, यानी 6% प्लस 8%, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है? एक साल बाद गांव की जनसंख्या 5,540 हो जाएगी, तो 5,540 हो गई बढ़कर, यानी टोटल कितनी बढ़ी है? 540 बढ़ी है। लेकिन ये माने कि जी फीमेल और मेल दोनों 6% बढ़ते, कितने बढ़ते? 6% बढ़ते, तो टोटल का 6% बढ़ जाते हैं ना, तो 6% कितना होगा? तो टोटल का 6% तो हो जाएगा जी 300, ठीक है? अगर दोनों 6-6% बढ़ते तो वो कितने हो जाते? 300 हो जाते। तो यहां से अगर मैं 300 निकाल देता हूं तो 240 किसकी वजह से बढ़े हैं भाई? इस 8% की वजह से बढ़े हैं, यानी ये जो फीमेल रही होंगी इनमें जो वृद्धि हुई है, यानी फीमेल का जो 8% है ना बच्चे, वो कितना है? वो 240 है। तो 1% कितना होगा बच्चे? 30 होगा। 100% कितना होगा? 3,000 होगा। यानी फीमेल कितनी है? 3,000 है। तो आपसे पूछा है वर्तमान में पुरुषों की संख्या कितनी है, तो 3,000 अगर महिलाएं हैं तो पुरुष कितने होंगे? 2,000 होंगे, और वो आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहता है देखो। एक गांव की जनसंख्या 4,000 है, कितनी है? 4,000। और जनसंख्या में 8% की वृद्धि पुरुषों की जनसंख्या में होती है और 10% की वृद्धि महिलाओं की जनसंख्या में होती है। एक साल बाद 4,352 हो जाएगी। 4,000 थी, 4,352 हुई, यानी वृद्धि कितनी हुई? 352 की हो गई, ठीक है? और 4,000 से अगर मेल की बात करें तो 8% बढ़ते हैं, और फीमेल की बात करें तो 8% प्लस 2% बढ़ते हैं, यानी मेल और फीमेल 8-8% तो बढ़ ही रहे हैं। 4,000 का 8% कितना होगा? 320 होगा, यानी 320 तो यहाँ से दोनों में बढ़े ही हैं, ठीक है? तो कितना बचा जी? 32। ये 32 किसकी वजह से बढ़े हैं? फीमेल के 2% की वजह से बढ़े हैं। तो 2% की वैल्यू अगर 32 है तो 100% की निकालने के लिए 50 से दोनों तरफ गुना करेंगे, और इसको 50 से गुना करते हैं तो 32 पंजे कितना होता है भाई? 30 पंजे 150 होगा, और 5 दूनी 10 160, 1600 हो जाएगा। परसेंट नहीं थी, टोटल 32 थे। 1600 अगर महिलाएं थी तो पुरुषों की संख्या कितनी थी? 2400 थी। आंसर आ गया आपके पास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहता है देखो। यदि चीनी के मूल्य में 30% की कमी आ जाए तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें कि बचत में 10% की कमी हो गई हो जाए, ठीक है? बहुत आसान क्वेश्चन है, करना क्या है देखो। चीनी के मूल्य में 30% की कमी आ गई, 100 रुपये में लेकर के आते थे पहले, अब कितने में मिल जाती है? 70 में मिल जाती है, ठीक है? और खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें कि खर्च में 10% की कमी हो, यानी पहले 100 रुपये खर्च होते थे तो अब कितने करने हैं हमें? 90 करने हैं, ठीक है? खपत तो जितनी पहले 100 की आती थी उतनी तो अब 70 में ही आ जाती है, तो खपत में वृद्धि करनी पड़ेगी ना। अगर पहले 70 लगता था तो अब 90 लगेगा, लेकिन बढ़ाना कितना पड़ेगा 90 करने के लिए? तो 20 की वृद्धि करनी है भाई, किस पर? तो इस पर ही करनी पड़ेगी ना, यहाँ से करेंगे वृद्धि तो 70 पर, ठीक है? तो 2/7 कितना होगा? 28 से सही, 4/7%। फिर से देख लो, 30% की कमी यानी 100 से 70 हुआ, लेकिन आपको सिर्फ 10% की कमी करनी है खर्च में, तो 90 का खर्च करना ही करना है आपको, तो 70 से 20 बढ़ाना पड़ेगा। तो 70 से 20 बढ़ा रहे हो तो 20 की वृद्धि किस पर? 70 पर। तो 28 से ही, 4/7%। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कहता है देखो। यदि चीनी के मूल्य में 20% की कमी आ जाए तो अपनी खपत में कितने परसेंट की वृद्धि की करेगी खर्च में 10% की वृद्धि हो जाए। 20% की कमी आ रही है, 100 रुपये खर्च होता था, मूल्य में 20% की कमी आई, 80 रुपये होगा।
लेकिन कह रहा है कि जी 10% की वृद्धि करनी है खर्च में, तो 110 रुपये खर्चने, तो अब 80 से बढ़ाना पड़ेगा कितना, 30। तो 30 की वृद्धि करनी है किस पर, 80 पर, तो 3/8 कितना होता है, 37 से ये 1/2% होता है जी, जो हमने पढ़ा था फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 37 से ये 1/2%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहता है देखो, क्वेश्चन नंबर 20। यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो उसके कुल खपत में 7 किलो की कमी आ जाती है, ठीक है, और उसके कुल खर्च में 5% की वृद्धि हो जाए तो चीनी के वास्तविक खपत ज्ञात करें। चीनी की मूल्य में 20% की वृद्धि, तो 100 से 120 हुई भी, ये क्या होता है, ये होती है जी वास्तविक खपत। और 105 करना कितना है, मूल्य में 5% की वृद्धि करनी है, तो ये क्या है, ये करंट कंजम्पशन है, जो वर्तमान की खपत है वो है, ठीक है। तो 7 किलो की कमी आ जाती है, कितने किलो की कमी आ जाती है, 7 किलो की कमी आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से 15 आप काट भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 15 8 और 15 7 आपने निकाल लिए, क्या रेशो निकाल लिए कि जी अगर पहले वास्तविक खपत 8 किलो थी तो अब 7 किलो हुई है, तो 7 की कमी आई है, यानी 8 से कितनी हो गई, 7 हो गई, यानी कमी कितने की आई, 1 की, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि जी 1 की नहीं, 7 की कमी आई है, तो आपको ये बताना है कि जी चीनी की वास्तविक खपत कितनी थी, तो 8 थी, यानी 7 से गुना करोगे, 1 की वैल्यू 7 है, 8 की वैल्यू 56 हो जाएगी, तो वास्तविक खपत क्या हुई, 56 किलोग्राम, ठीक है। अब की खपत बतानी है तो वो 7 किलो घट जाएगी, वो कितनी हो जाएगी, 49 किलोग्राम हो जाएगी, ठीक है। दूसरा तरीका जो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में उस टाइम मैंने पढ़ाया था कि जी कमी हो रही है, वृद्धि हो रही है, अगर आपको पैसे दिए हुए होते तो आप सीधा निकाल सकते थे कि कितने की कमी हुई है, कितने की वृद्धि हुई है, और उसके हिसाब से आप क्वेश्चन कर सकते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहता है देखो, यदि चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो जाए तो इस वजह से उसकी खपत में 18 किलो की वृद्धि हो जाएगी, दस परसेंट की कमी हो जाए चीनी के मूल्य में, यानी 100 से कितना हो रहा है, 90 हो रहा है, तो उसकी वजह से उसकी खपत में 18 किलो की वृद्धि हो जाएगी, यदि उसके कुल खर्च में 10% की वृद्धि हो जाती है, तो खर्च में कितनी, 10% की, यानी 100 से कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, 100 से कितना होगा, 110 हो जाएगा, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो रेशो, 9:11 आ गया। ये क्या होती है, ये आपकी वास्तविक होती है, और ये होती है आपकी वर्तमान, ठीक है। तो वास्तविक कितनी है, तो वर्तमान में तो आप बड़ी है ना, तो उसकी खपत में 18 किलोग्राम की वृद्धि हुई है, तो पहले 9 किलो था, तो अब 11 किलो, यानी यहाँ पर 2 की वृद्धि दिख रही है, ये कितनी है, 18। 1 की वैल्यू कितनी होगी, 9 हो जाएगी, तो आपको बताना है जी उसकी वर्तमान खपत क्या है, तो वर्तमान की वैल्यू क्या है, 11 है, तो 11 को 9 से गुना करोगे, 11 99 किलो, ये आ जाएगा, ठीक है, और यही आपका आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहता है देखो, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक इस टाइप का क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, अगर परसेंटेज से एक भी क्वेश्चन डालना है ना, तो वो इसी टाइप का क्वेश्चन मिलेगा आपको, ठीक है। यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो चीनी की वास्तविक खपत 48 किलोग्राम हो तो उसकी खपत में कितनी कमी करें, उसके खर्च में 10% की वृद्धि हो जाए, ठीक है। 20% की वृद्धि हो रही है 120, लेकिन सिर्फ आपको क्या करना है, 10% की वृद्धि करनी है, यानी 110, यानी 12 से क्या होना चाहिए, 10, 12 क्या है, इसकी वास्तविक खपत है, और ये क्या है, ये वर्तमान है, ठीक है। क्या कहता है कि जी वास्तविक खपत 48 किलो हो तो उसकी खपत में कितनी कमी, तो कमी कितने की है, कमी 1 की करनी पड़ेगी, ठीक है। अब 12 की वैल्यू आपको दे रखी है, क्योंकि वास्तविक खपत दे रखी है, 12 की वैल्यू 48 दी हुई है, तो 12 चौके 48 होता है, यानी 4 गुना है, तो खपत 1 की वैल्यू क्या होगी, 1 की वैल्यू 4 हो जाएगी, कितने किलोग्राम की कमी करनी पड़ेगी, 4 किलोग्राम की कमी करनी पड़ेगी। बिल्कुल सिंपल आसान शब्दों में क्वेश्चन है, और आसान ही इसका आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहता है देखो,
टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है मुझे। टेंशन लोगे तो फिर तो चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी ना। हंसते हंसते मुस्कुराते मुस्कुराते पढ़ा करो, और सुबह उठते ही मुस्कुराया करो, फिर सारे दिन मुस्कुराओगी। यदि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि कर दी जाए, जिस वजह से एक गृहिणी 200 रुपये खर्च करके 10 किलोग्राम कम चीनी खरीदती है, तो चीनी का और वर्तमान मूल्य प्रति किलोग्राम ज्ञात करना है आपको। ये बताना 25% की वृद्धि हो जाए, यानी 100 से कितनी हो रही है, 125 हो रही है। इसकी वजह से गृहिणी 200 रुपये खर्च करके 10 किलोग्राम कम चीनी खरीद पा रही है, ठीक है। तो आप क्या करो, आपको अब अगर पीछे का मूल्य नहीं दिया हुआ ना, तो ये क्या है, ये आपकी वास्तविक खपत है, ये तो आपको पता ही है। और वर्तमान कौन सी होगी, तो वर्तमान ये हो जाएगी। अब वर्तमान कौन सी हो जाएगी, तो वर्तमान ये 100 हो जाएगी। तो वास्तविक 125, ये 100, रेशो निकालोगे 5:4, यानी अगर पहले 5 किलोग्राम आती थी तो अब 4 किलोग्राम आती है। लेकिन क्या कहता है कि जी कमी कितने की हुई है, तो कमी हुई है 10 किलोग्राम की, ठीक है। 10 किलोग्राम कम खरीद पाती है, तो कम खरीद पाती है, तो आपको पता है कि जी वर्तमान तो ये है और वास्तविक ये थी, कितना कम खरीद पा रही है, तो 1 किलोग्राम यहाँ रेशो में, तो 1 की वैल्यू 10 है, कितनी है, 10 है, तो 5 की वैल्यू हो जाएगी 50 और 4 की वैल्यू हो जाएगी 40 किलोग्राम, यही होगी, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, वर्तमान मूल्य प्रति किलोग्राम आपको बताना है। तो वर्तमान में आपको पता है 40 किलोग्राम चीनी आ रही है, कितने किलोग्राम, 40 किलोग्राम, कितने रुपए में, तो वो कह रहा है कि जी 200 रुपये खर्च किए थे, 200 रुपये में 40 किलोग्राम आ रही है, तो 5 रुपये पर केजी हो जाएगी, 5 रुपये पर किलोग्राम, ये है वर्तमान। और अगर पहले का पूछा होता तो वो 4 रुपये पर किलोग्राम आता, क्यों, क्योंकि 25% बढ़ा है, 4 का 25% 1 होता है, तो 1 रुपये मूल्य बढ़ गया है, ठीक है। चलो इसको हम पहले कैसे करते थे, यानी हमने जो प्रीवियस ईयर वाले में पढ़ा था, आपको मैंने बताया था कि जी 200 रुपये लेकर के गए, आपको मार्केट में जा करके पता चला कि जी 25% मूल्य में वृद्धि हो गई है, यानी 200 के 25% की वजह से आपको 10 किलो चीनी कम मिलेगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 200 के 25% में आती थी भाई 10 किलो चीनी पहले, अब आपको क्या हो जाएगा, इसको काट दोगे तो ये कटेगा 5 पर, तो अब वर्तमान मूल्य आ जाएगा आपका कितना, 5 रुपये पर केजी, यानी अब 5 रुपये का हिसाब से चीनी मिल रही है आपको, इस वजह से 200 के 25% में 10 किलो चीनी मिलती है, ठीक है। चलो जो भी आपको अच्छा लगे, समझ में आए, वही आप यूज करना, कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट कर देना। यदि एक भिन्न में अंश में 200% और हर में 350% की वृद्धि, अब वृद्धि का मतलब क्या है कि जोड़ रहा होगा, मैंने मान लिया कि जी एक्स है, कोई नंबर एक्स है, इसमें मुझे वृद्धि करनी है 200% की, ठीक है। तो इस एक्स के अंदर इस एक्स का प्लस करूंगा ना, क्या एक्स का 200%, यानी 200/100, तो ये कितना हो गया, तो एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा 100x प्लस में 200x/100, यही आएगा, तो ये 300 हो गया ना। यानी कोई चीज को 200% बढ़ा रहे हो तो वो क्या हो जाती है, 3 गुना हो जाती है, 100 का 300 हो जाती है। तो मैं डायरेक्ट भी तो लिख सकता हूँ ना, क्या लिखेंगे, अंश और हर, तो अंश होता है ऊपर और हर होता है नीचे, ठीक है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, ठीक है। तो 200% अंश के अंदर 200% की वृद्धि, यानी अंश अगर मेरा एक्स था तो अब हो गया जी एक्स गुना में 300%, ठीक है। और हर के अंदर 350% की वृद्धि करता है, तो मैंने अगर पहले वाई माना था तो वाई गुना में 450%, यही होगा। तो ये तो क्या हो जाएगा, परसेंट से तो परसेंट कट जाएगा, तो क्या आ रही है, परिणाम भिन्न जो आएगी वो 5/12 आएगी, ये किसके इक्वल आएगी, 5/12 के इक्वल आएगी। तो 150 पर काटोगे 2 और ये 3,
इसको काटोगे तो किस पर कटेगा, ये चार पर कट जाएगा, यानी एक्स अपॉन वाई क्या आया भाई, 5/8 आ गया। ठीक है, तो मूल भिन्न ज्ञात करो तो ये हो जाएगी 5/8। अब 5 का आप 200% बढ़ा करके और 8 का आप चार कितना 350% बढ़ा करके उसमें जोड़ोगे तो ये भिन्न आपको वापस मिल जाएगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और वो है आपका लास्ट क्वेश्चन। चलो, एक भिन्न का अंश 220%, यानी अगर वो खुद 100% था उसको 220% बढ़ा दिया तो वो कितना हो गया अपने आप का, 320% हो गया। ठीक है, और हर 150% बढ़ाने पर, हर क्या माना हमने, y माना, तो y को अगर 100 था अपने आप में तो 150 बढ़ाया यानी 250% हो गया अपने आप का। यही करते हैं ना, अगर कोई संख्या दी हुई है 20% बढ़ा रहे हो तो उसका 120/100 निकालते हैं, तो /100 तो ये परसेंट से तो परसेंट कट ही जाएगा, हटा करके /100 करते हो तो वो भी कट ही जाता है। अब आपको क्या करना है कि जी परिणाम क्या आया, तो 4/5 इसका परिणाम आया, परिणाम क्या हुआ, 4/5 आया, तो यहां से आप इसको काट सकते हो 0 पर 0 पर, 8 चौके 32, 5 5 25, तो एक्स अपॉन वाई क्या होगा, ये 5 चला जाएगा ऊपर और 8 आ जाएगा जी नीचे, तो ये आ गई आपकी भिन्न, मूल भिन्न लगाओ, यानी मूल भिन्न आपको निकालनी थी, वो आपको आंसर मिल गया। तो ये था आपका अंतिम क्वेश्चन, और अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हैं, इनके सॉल्यूशन अच्छे लगे हैं, तो कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे अच्छे क्वेश्चनों के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।